पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छापीहेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, मंच से राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा में शुक्रवार की दोपहर को दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे बताया गया है कि मुझे राजगढ़ से चुनाव लड़ना है। दिग्विजय सिंह के कहने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई और स्वागत किया। दिग्विजय सिंह ने मंच से क्या कुछ कहा, बोले, अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर मेरी घोषणा नहीं हुई है। मैं तो चाहता था कि राजगढ़ प्रियव्रत सिंह जी चुनाव, नारायण सिंह जी हेमराज, कल्पोनी जी, चंद्र सिंह जी सौंधिया, रामचंद्र जी दांगी, रामप्रसाद दांगी चुनाव लड़े। अभी हम सब लोगों की कोशिश कर रहे थे राजगढ़ से चुनाव कौन लड़े, और हमारे पास लड़ने वाले भी थे, लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसे हमें मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना है। दिग्विजय सिंह के मुंह से चुनाव लड़ने की बात सुनकर कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। मैं अब अलग अलग अपने विधानसभा भाई आप सबसे अलग अलग बात करूंगा, आपसे सुझाव दूंगा कैसे करना, क्या करना चाहिए। अब अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है। मैं तो चाहता था त्रिवल से चुनाव लड़े, नारायण से चुनाव लड़े, हमारे बलमोनी जी भी है, हमारे चंद्र सिंह जी सोनिया जी है, रामचंद्र गांधी जी भी है। अभी सब लोगों के साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे कौन लड़े, और हमारे पास लड़ने वाले थे, लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मुझे मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब आप ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है, अपने 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है, और ये चुनाव हमारा बड़े साधारण तरीके से होगा और बूथ पर होगा। मैं अपना पत्र आपको लिखकर पहले दे दूंगा, और शुरुआत से ही हम लोग को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए जो गारंटी दी है, उन गारंटियों का पर्चे हम लोग देंगे, और उस पर्चे को और मेरे पत्र को ये आपकी जवाबदारी होगी, हर घर में ये चीज पहुंचे, ये जवाबदारी आपकी होगी। ये जवाबदारी लेने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने अपने मोहल्ले में एक एक घर में जाके दे आइए, और उस पर हम लोग नीचे तक रखेंगे भी कि उसमें कौन के घर आप गए और कौन गए, उसकी सारी जानकारी हम रखेंगे, ताकि हमारा प्रचार घर घर होगा। हमको ज्यादा पब्लिक मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी बड़ी रैलियां निकालने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े हमें आम सभाएं करने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव पूरे तरीके से पोलिंग बूथ पर लड़ा जाएगा, सेक्टर और मंडल में लड़ा जाएगा, ये हमारा प्रयास हो। साथियों, अब मैं आपसे जरूर करूंगा। खिलचीपुर से प्रदीप बंसल की रिपोर्ट।